आज आपण मुलांना इंग्लिश मीडियम इयत्ता 8वी फर्स्ट युनिट मधला 1.1 घेणार आहोत. पोएम आहे अ टाइम टू बिलीव. पोएमचं नाव आहे अ टाइम टू बिलीव. बिलीव म्हणजे विश्वास. विश्वास हा किती महत्त्वाचा असतो एखाद्या गोष्टीसाठी, त्याबद्दल ही पोएम आहे. टू बिलीव इज टू नो दॅट एव्हरी डे इज न्यू बिगिनिंग. म्हणजे प्रत्येक दिवस, हर नया दिन, ये कुछ विश्वास दिलाता है. मतलब हमें विश्वास चाहिए कि हर नया दिन एक नई शुरुआत करेगा. इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपन. हमें ट्रस्ट करना है क्योंकि मिरेकल्स होते हैं. एंड ड्रीम्स रियली टू कम ट्रू. और हमारे ड्रीम्स ट्रू हो जाते हैं. टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स. मतलब हमें बिलीव करना चाहिए कि क्लाउड्स में एंजल्स डांस करते हैं. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारलेस स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. टू नो द वंडर ऑफ स्काई में बहुत सारे वंडर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स. उसी तरह से मैन जो है उसकी होशियारी से वो मून पर जा पहुँचा है. मतलब ये भी एक मिरेकल्स है. टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट. हमें विश्वास करना चाहिए उन लोगों पर जो हमारे हार्ट को सहलाते हैं. मतलब हमारे हार्ट का ख्याल रखते हैं, मतलब कि हमारे पेरेंट्स. द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड्स. छोटे बच्चे के आँखों में बहुत इनोसेंटपन दिखाई देता है. एंड ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड, जो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनके हाथों की ब्यूटी हमको दिखाई देनी चाहिए. फॉर इट्स थ्रू दैट देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव. क्योंकि उनके टीचिंग की वजह से ही, उन्होंने हमें जो सिखाया है उसकी वजह से ही हम प्यार करना भी सीख गए हैं. टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाय विदिन अस. हमें विश्वास चाहिए हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर का जो करेज है, उसके ऊपर हमें खुद पर विश्वास चाहिए. व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन. जब भी टाइम आएगा, मतलब कुछ टूटा फूटा होगा, कभी हमारा दिल टूट जाता है, कभी कोई आफत आ जाती है, तो वो पीसेस हमें फिर से कलेक्ट करने में वो करेज और स्ट्रेंथ हमारे काम आते हैं. टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन. हमें ये विश्वास चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं. दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज अवर टाइम टू चेरिश. क्योंकि हमें जो ये लाइफ मिली है वो एक भगवान का गिफ्ट है और ये टाइम है कि हमें उसको इनकरेज करना है, हमें उसको चेरिश करना है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ानी है क्योंकि वो बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स है. टू बिलीव इज टू नो द वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन. हमें ये बिलीव करना है क्योंकि आने वाले भविष्य में कुछ न कुछ वंडरफुल सरप्राइज हमारे लिए होगा. एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ ओनली वी बिलीव. और तभी हमारे होप्स, हमारे ड्रीम तक हम पहुंच पाएंगे और वो सच हो जाएंगे. बहुत अच्छी पोएम है. अभी उसके क्वेश्चन एट से हर चैप्टर में इंग्लिश के A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. हर ग्रुप 2 मार्क्स का होगा. लेसन में A5 तक पूछे जाते हैं और पोएम में A3 तक. A1 देखो, यहाँ पे जो है ऐसे डायग्राम टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं. मतलब ये लिखा होगा तुमने, यहाँ पे लिखा नहीं होगा जो मैंने लिखकर बताया तुम लोगों को. यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव क्वालिटीज. मतलब पोएम में कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज आई हुई है, जैसे कि विजडम, वंडर, टू वैल्यू, लव, इनोसेंस, ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज है. A1 में ही दूसरा टाइप हो सकता है कंप्लीट द सेंटेंस. मतलब तुम लोगों को पोएम या लेसन थ्रू वो सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, जैसे कि वन शुड नो एंड ट्रस्ट. हमेशा किसी को
क्या भरोसा चाहिए, न्यू बिगिनिंग, मतलब वो जो पोएम की पूरी लाइन है, टू लाइन फर्स्ट, वो तुम्हें इधर लिखनी है। सेकंड, द टू सुपर नेचुरल रेफरेंस इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में जो सुपर नेचुरल रेफरेंस दिए है, जैसे क्लाउड्स का दिया है, मून का दिया है, वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी। द टू क्वालिटीज इवन आर डैश एंड डैश। हमारे अंदर की दो क्वालिटीज, कौन सी टू क्वालिटीज है, करेज एंड स्ट्रेंथ। ए टू, ये क्वेश्चन बड़ा होगा, मतलब टू और थ्री सेंटेंस में उसका आंसर लिखना पड़ता है हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी सिक्स थिंग्स, कौन सी भी छह चीजें तुम लोग लिखो, दैट द पोएट वॉन्ट अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू। मतलब पोएट ने हमें बताई है कि वो एक्सेप्ट करो कि वो ट्रू होने वाली है। वो जो पहले दस लाइन में जो भी छह चीजें आई है, ये तुम इधर लिख सकते हो। राइट डिस्क्राइब वर्ड। स्काई के बारे में कौन सा वर्ड्स आया है, स्टार डस्ट स्काई, हैंड एजिंग हैंड, उसी तरह से हार्ट एंड बिगिनिंग जैसे न्यू बिगिनिंग। पोएम में देखकर इसके पहले जो डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब एडजेक्टिव, मतलब स्काई के बारे में जो एडजेक्टिव आया है, हैंड के बारे में जो एडजेक्टिव आया है, वो तुमको लिखना है। यही तुम्हारा होमवर्क है।